वेलकम बैक दोस्त। जैसे कि आज की वीडियो में आप देखेंगे यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस। आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस पे यानी कि आप देख रहे थे फ्री 3 सिलेंडर, यानी फ्री में जो 3 सिलेंडर आपको गैस मिल रहा था, तो आपको आपको देखना है यानी कि अकाउंट में आपके बैलेंस आया या नहीं आया। तो कैसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं, चाहे वो भारत का हो या इंडियन का हो या एचपी का हो, किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर हो, आप कैसे चेक कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहता हूं, अभी डिजिटल चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा लें ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जैसे कि आपने देखा उज्ज्वला योजना के गैस के बारे में जो बता रहा हूं, यानी कि 3 सिलेंडर यानी कि फ्री में 3 सिलेंडर आपको जो मिल रहा था, तो आप कैसे आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पेमेंट आया या नहीं आया। तो सबसे पहले आपको यहां पे चलना होगा न्यू टैब पे। न्यू टैब पे जैसे ही आएंगे यहां पे आप लिखेंगे माई एलपीजी। जैसे लिखेंगे माई एलपीजी लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा myLPG.in। यहाँ पे myLPG.in पे होम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद हमारा इस ऑफिशियल साइट पे यानी कि myLPG गैस सिलेंडर myLPG भारत गैस या कोई भी गैस के हम ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ डिटेल्स आता है ऑनलाइन बिजनेस यानी कि ये सारे आते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ होता है सबसे पहले यहाँ पे अगर गिव इट ऑप पे हम क्लिक करते हैं तो वहां से भी चले जाएंगे, लेकिन क्लिक टू गिव ऑप यहाँ पे एलपीजी सब्सिडी यानी सब्सिडी ऑनलाइन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वेलकम एलपीजी कस्टमर इन ऑर्डर टू गिव ऑप योर एलपीजी सब्सिडी ऑनलाइन प्लीज सिलेक्ट योर कंपनी नेम। आप देख रहे हैं अब यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट योर कंपनी नेम, कौन सी कंपनी से आपका एजेंसी है यानी कौन सी कंपनी से आपने गैस लिया है, तो आप एजेंसी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका भारत है तो भारत पे चेक मार्क करेंगे, अगर एचपी पे है तो एचपी और इंडियन है तो इंडियन। तो जैसे मेरा भारत है तो भारत पे चेक मार्क कर दिया। भारत में चेक मार्क करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। आप देख रहे हैं यहां पे आ रहा है जैसे कि आरोग्य सेतु रोग एलपीजी सर्विस, ये सारे कई चीजें आते हैं। अब आपको करना क्या होता है, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहां पे गिव अप सब्सिडी दे रहा है। गिव अप सब्सिडी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ यूजर लॉगिन एंड पासवर्ड से हम कर सकते हैं एलपीजी, यहाँ कंज्यूमर नंबर और अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद। लेकिन हमें करना क्या होगा, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा, गिव फीडबैक पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं मेरा एक न्यू पेज ओपन होता है। अब यहां से होता क्या है, यहाँ पे हम दो कंडीशन से यानी कि अपना एलपीजी कनेक्शन के बारे में और तो ये पेमेंट के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। पहला नंबर है मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर से डायरेक्ट ले सकते हैं, जान सकते हैं जानकारी। दूसरा चीज है यहाँ पे स्टेट यानी स्टेट सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी जान सकते हैं। तो हम जैसे कि स्टेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्टेट डालते हैं और यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे एजेंसी जो नेम है, एजेंसी नेम मेरा ऑटोमेटिक पहला है और एजेंसी इसमें बहुत सारे आते हैं, तो आपका कौन सा एजेंसी है आप एजेंसी सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एजेंसी सेलेक्ट कर दिया। एजेंसी सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे कंज्यूमर नेम, एलपीजी कंज्यूमर नेम यानी कि आप अपना कस्टमर नेम जो कस्टमर आईडी होता है कंज्यूमर नंबर उसको आप प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे प्रेस करने के बाद ये फीडबैक टाइप आता है, फीडबैक टाइप में आपको करना है कंप्लेंट में आप क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पूछ रहा है प्लीज शेयर दिस एफएम कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर एग्रीड फैक्चर्स, यानी कि आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स यानी यहां पे आप ओके कर देना है। ओके जैसे करेंगे आप नीचे को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो पूरे डिटेल्स आप देख रहे हैं आपके फीड हुआ मिलता है, यानी जो जो आपके एलपीजी कनेक्शन में जो जानकारी भरी रहती है पूरा है। अब यहां पे आपको मेल आईडी देना है, यहाँ पे मेल आईडी देने के बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहे कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। और जिस कंडीशन में कैप्चा कोड को प्रेस है उस कंडीशन में आप कैप्चा कोड को डाल देंगे। अब यहाँ पे कैप्चा कोड को देने के बाद सबमिट पे आप क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं दोस्त देखते हैं कि ये इस प्रकार से आता है, पहला सब्सिडी टाइप आता है सब्सिडी, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर आता है और यहाँ पे ऑर्डर डेट आता है, यहाँ पे सब्सिडी यानी कि सिलेंडर आता है सिलेंडर कितने गए हैं, और यहाँ पे डिलीवरी डेट आ रहा है और कैश मेमो नंबर आ रहा है यानी कैश मेमो नंबर ये होता है, और यहाँ पे कैश मेमो अमाउंट आपने कितना पेमेंट देके यानी कितना पेमेंट देने के बाद कितना आपको सब्सिडी मिला है। तो जैसे देख रहे हैं 774 रुपये मैंने जमा किया, तो यहाँ 770 रुपये यानी 5 पैसे ये सब्सिडी 170 रुपये 5 पैसे मेरे सब्सिडी मिला, ये डिलीवरी हो गई। यानी कि जितने आपने अभी तक सिलेंडर लिया है सारे डिटेल्स इसमें मिल जाते हैं आसानी
आसानी से। और यहां पे देख सकते हैं आप सब्सिडी जो मिलता है, आपको कितना कितना सब्सिडी मिल रहा है। तो थैंक यू दोस्त, जैसे कि आपने देखा आपको वीडियो खास अच्छा लगा हो, अगर आपका भी सब्सिडी अभी तक नहीं मिला है तो आप आसानी से इस प्रकार से आगे चेक कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि वीडियो कैसे हम यानी एलपीजी सब्सिडी देख सकते हैं।